लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। ये लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए नहीं? नहीं रहना चाहिए, एकदम नहीं रहना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप में रहना सही नहीं है? कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। आपके हिसाब से लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। रिलेशनशिप में रहना सही है या नहीं? आई थिंक सो, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस। आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूँ आपके साथ पांसी। तो इस वक्त शाम हो चुकी है और हम मौजूद है बोरिंग रोड में। पटना की युवा पीढ़ी से ये जानेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। हालांकि जैसा कि आप सभी को पता होगा, दिल्ली वाला इंसिडेंस, लिविंग रिलेशनशिप में आफ्ताब और श्रद्धा रहते थे, जिसमें आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े कर दिए थे। तो इस मैटर को लेकर आज हम पटना आए हैं, पटना में पटना की युवा पीढ़ी से ये जानेंगे कि क्या लिविंग रिलेशनशिप सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। हालांकि कोर्ट ने भी अब उसको लीगल कर दिया कि अगर आप 18+ हो तो लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो। इसके बावजूद जो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ ऐसे हैं जो गलत संगत में पड़ जाते हैं, जैसा कि श्रद्धा के साथ हुआ, आपने देखा। तो आइए चलते हैं और पटना के युवा पीढ़ी से जानते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप जो है वो सही है या गलत। लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हाँ। क्यों? अभी जो आफ्ताब और श्रद्धा वाला मैटर हुआ है, उसमें आप देख सकती हैं कि कैसे उसने किया है। तो वो गलत है? एकदम गलत है। बताइए, लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं? नहीं रहना चाहिए, एकदम नहीं रहना चाहिए। क्यों? वही जो देख रहे हैं ना, अभी क्या हुआ है, हा? कुछ दिन पहले ही आफ्ताब और वो लड़की का मैटर आया था सामने, उसी कारण वैसे बहुत केस आ सकते हैं, एकदम आ सकते हैं। खासकर अगर फैमिली के खिलाफ है तो फिर तो बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल गलत है। एब्सोल्युटली। तो देखा आपने, लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है। आप लोग बताइए, लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? हम तो खुद ही सिंगल हैं, वो कुछ पता आइडिया ही नहीं, इससे पूछिए। तो दिल्ली वाला इंसिडेंस तो पता होगा, आफ्ताब और श्रद्धा वाला। हाँ। तो वो चीज़ गलत हुआ या सही हुआ? ऑब्वियसली गलत हुआ ना, इसमें तो कुछ कहने वाला है ही नहीं। वो लोग लिविंग में रहते थे। हाँ, ये तो पता। उसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए या नहीं? वो तो आदमी पे डिपेंड करता है, वैसा आदमी, वो तो प्रोबेबिलिटी, वैसा केस तो लव जिहाद नहीं होना। क्या बोल रहे हैं आप? लव जिहाद नहीं होना चाहिए। लव जिहाद नहीं होना चाहिए। तो लिविंग रिलेशनशिप में रहना सही नहीं है? कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। अच्छा, कैसे सही है और कैसे गलत है? वो तो हम कभी एक्सपीरियंस किए नहीं, हमको पता नहीं है। क्योंकि अभी जो दिल्ली वाला इंसिडेंस हुआ, आपको तो पता ही होगा। हाँ, बिल्कुल पता। उस अकॉर्डिंग गलत है? ऐसे उस अकॉर्डिंग गलत है, गलत है, क्योंकि जो माँ बाप पहले से जान रहे थे उसके बारे में, वो तो लिविंग में नहीं भी रहता तो कुछ ना कुछ तो हो ही सकता था उसके साथ, कुछ हो सकता था। जैसा मेंटेलिटी था उस आदमी का, और लिविंग में नहीं भी रहता तो कैजुअल भी रहता तो भी कुछ ना कुछ तो हो ही सकता था। साइको था वो, तो साइको बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल बोलेंगे। तो देखा आपने, मैं हर लोगों से बात कर रही हूँ और सबका यही कहना है कि लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। आपको दिल्ली वाला इंसिडेंस तो पता ही होगा। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये बताओ कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए, बट क्यों? बिकॉज इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, आप किसी के साथ रह के। हाँ, कुछ लोगों के लिए होता है कि आप ट्रायल ले रहे हैं एंड एवरीथिंग, बट हर चीज़ ट्राई करने का नहीं होता है। आप लाइफ शेयर कर रहे हो, इसका मतलब थोड़ी कि आप ट्राई करोगे पहले, कपड़ा थोड़ी है कि ट्राई कर रहे हैं एंड देन यू लिव विद देम, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं, सही है। तो ये जो दिल्ली वाला इंसिडेंस हुआ आफ्ताब और श्रद्धा का, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसने कैसा किया? ऑब्वियसली मतलब एक तो लड़की का भी बेवकूफ़ी है कि इतना मार खाने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद भी वो फैमिली के अगेंस्ट यू एंड हैव एंड आई गेस मैं अपने लाइफ में एक थ्योरी ये करते हैं लड़कियाँ की, तो सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा गलती होता है, वो सब कुछ सहती है और फिर भी उसी लड़के के साथ रहती है। हाँ, और बेसिकली हमको नहीं लगता है, बट पॉइंट मेरा बस इतना ही है कि जो अपने फैमिली का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। थैंक यू रिचा, थैंक यू। तो देखा आपने, रिचा ने मुझे बताया कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना सही नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली वाला जो इंसिडेंस अभी हुआ है ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। आइए हम और भी युवा से जुड़ेंगे और उनके हिसाब से जानेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप जो है वो सही है या नहीं। आपके हिसाब से लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं, क्यों? क्योंकि आप ऐसे ग्रांटेड ले लेते हो ना कि सामने वाले के साथ अगर वर्क किया तो रहेंगे, नहीं किया तो नहीं रहेंगे, क्योंकि आप सामने वाले को चेक कर रहे हो, उस पर ट्राई कर रहे हो, जो कि सही नहीं है। नहीं सही है, बिल्कुल नहीं। आप आज के यंग जनरेशन, अब तो कोर्ट ने भी अलाउड कर दिया है कि अगर आप 18+ हो तो आप लिविंग में रह सकते हो, फिर भी आप ये कह रहे हो कि वो गलत है, लिटरली गलत है? बिल्कुल गलत है ना। दिल्ली वाला इंसिडेंस तो पता ही होगा। बिल्कुल पता है। उसके बारे में क्या कहना? वो सही नहीं ना था, वो बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि लड़की ने बहुत कुछ सहा, फिर भी अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके लड़के के साथ रहने का डिसाइड कर, उस लड़के ने उसके साथ गलत किया, गलत किया, तो वो एक तरीके से वो उसका डिसीजन तो वो गलत हो गया। तो
यानी लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहना? बिल्कुल नहीं, रिलेशनशिप में रहना सही है या नहीं? आई थिंक सो, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, एंड प्लस हमें हाई कोर्ट से भी ऑर्डर, मतलब हाई कोर्ट से भी ऑर्डर मिल चुका है कि लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आप रहो, लेकिन आप डिसीजन, जैसे शादी के लिए कि लोग सोचते हैं बहुत चीज़ें, वैसे ही लिविंग रिलेशनशिप के लिए भी सोचना बहुत ज़रूरी है। ये इतना बड़ा डिसीजन, आप किसी का मर्डर कर सकते हो, वो बहुत बड़ी बात है, तो वो चीज़ तो, एंड प्लस ये उसके लिए जो भी आप जहाँ भी रहते हैं ना लैंडलॉर्ड, उसको वहाँ का आधार कार्ड, वहाँ का सब कुछ, जितनी भी आईडी प्रूफ होते हैं दोनों रिलेशन दोनों का लेना चाहिए। जैसे मैरिज सेट होता है वैसे ही मेरे को लगता है जो लैंडलॉर्ड हो, जो भी हो, अपना ध्यान रखे वहाँ पे। आप लोग एक बार भी प्लस ये देखना चाहिए, लैंडलॉर्ड को हमेशा देखना चाहिए कि जो जिसको मैंने रखा है घर पर, क्या ये लोग सही है कि नहीं, मतलब बार बार जाके पता करना चाहिए कि सब कुछ चल रहा है कि इन लोगों के बीच में कि नहीं चल रहा है। एंड मेरे को नहीं लगता है कि रिलेशनशिप में रहना बुरी बात है, आप रहो, आपकी चॉइस है, बट आप एक बड़ा डिसीजन ले रहे हो, एंड प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम आप एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर कर सकते, अपनी सिस्टर से शेयर कीजिए, ब्रदर से कीजिए, एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स एंड कॉन्टैक्ट में रहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के चलते अपनी फैमिली को छोड़ दिया, ये कर दिया, मनाइए अपने पेरेंट्स को, वो सबसे बड़ी बात है। एंड प्लीज़ जब एक बार झगड़ा हुआ, आप सोचिए कि क्या मेरे लिए बंदा सही है कि नहीं, ये बंदी सही है कि नहीं, उसके बाद आप खुद डिसीजन। जो आफ्ताब ने किया बहुत गलत काम किया है, तो बहुत लोगों को देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो देखा आपने, पटना की युवा से मैं बात कर रही हूँ, वो मुझे बता रहे हैं कि लोगों के लिए लिविंग रिलेशनशिप सही है या नहीं सही। बहुत सारे लोगों से बात किया है, किसी का कहना है कि लिविंग रिलेशनशिप सही है और किसी का कहना है कि लिविंग रिलेशनशिप सही नहीं है। बात क्या है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप सही है या नहीं, जैसा होगा आप लोग भी बताइएगा। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, जहाँ तक मेरा थॉट है, शादी से पहले अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए और शादी से पहले किसी भी लड़के लड़कियों को साथ में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लिविंग रिलेशनशिप कुछ हद तक, बहुत ही हद तक बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जैसा कि श्रद्धा के साथ हुआ, आपने देखा वो अपने माँ बाप की बात ना सुनकर आफ्ताब के साथ लिविंग में रहती थी और उसके साथ कितनी ज़्यादा गलत हुई है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।